क्या बोलो एक पहले तो हमें अपनी मम्मी को याद की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज मैं खेलने वाली हूँ घर वालों के साथ एक गेम, और उसमें सिंपल सा गेम है, सिर्फ दो मार्कर उठाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया है, दो मार्कर उठाना है और उसे हटाकर सिर्फ कैट लिखना है, CAT कैट। देखते हैं कौन लिख पाता है और कौन नहीं। तो चलते हैं सबके पास। मम्मी हम गेम स्टार्ट करें? यस मम्मी, गेम स्टार्ट करें। यस मम्मी, क्या लिखना है सबसे पहले आप हमें ये बताइए। केटी दिल्ली। तो यहाँ पे मम्मी लिखने वाली हैं कैट। कैटो, क्या लिखना है मम्मी सबसे पहले आप यही बता दो मुझे। केटी है, तो मम्मी गेम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखना है मम्मी, थोड़ा बताओगी? कैट। कैट की स्पेलिंग ही बता दो मम्मी। चलो तो मम्मी फाइनली अब बता दो, मजाक बहुत हो चुका है, अब बता दो कैट की स्पेलिंग। C-A-T-T. कैट की स्पेलिंग बताओ मम्मी। बिल्ली। अरे लिखना क्या है? तो आशु यहाँ पे कुछ मार्कर रखे हुए हैं, सिर्फ तुम्हें दो मार्कर उठाना है और लिखना है कैट। चाहे तो यहाँ पे कुछ मार्कर रखे हुए हैं आशु, तो सिर्फ दो मार्कर उठाना है आपको और कैट लिखना है। चाहे आप ऊपर से उठाओ चाहे नीचे से उठाओ, ठीक है, सिर्फ दो मार्कर उठाने हैं। तो करें स्टार्ट। आवाज नहीं आई तेज की, बोलो। ऐसे और इसको इधर हो गया। तो आशु जीत चुका है ये गेम और हम इसको फेस रिवील करते हैं। या चाहे ऐसे कैट बने चाहे यहाँ से शुरू हो, CAT कैट, चाहे T8 ऐसे। दो मार्कर उठाने बस, उठा के कैट बना। मैंने ही खुद बता दिया था ये तो। ये रह गया, चलो दस गिनती के अंदर ये बनाओ। एक दो यहाँ पे टुकू आ चुके हैं और हम टुकू से ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है कैट, चाहे आप यहाँ से कैट लिखना शुरू करो चाहे वहां से शुरू करो, ठीक है। तो सिर्फ आपको दो मार्कर हटाने हैं और कैट लिखना है। आर यू रेडी टुकू? और जल्दी से फटाफट कैट लिख कर दिखा दो। यहाँ पे सोचा जा रहा है, बहुत गंभीर रूप से सोचा जा रहा है, गंभीर रूप से सोचा जा रहा है कि कैट कैसे लिखे। ये लेना ही था, ये ले। दो ही उठाने? हाँ दो? ये ले। तूने ये कैट लिखा है, क्या ये कैट लिखा हुआ दिख रहा है? तो इस मार्कर का हम क्या करेंगे बताओ हमें। तो इस क्वेश्चन में डुकू एक और चांस दे रही हूँ, कैट लिखो। सेकंड चांस दिया गया है डुकू को, यू हैव ओनली 2 सेकंड। ये बना दो इसको। ओके
यहाँ पे तो टास्क कुछ उल्टा ही हो रहा है। इस क्वेश्चन में डुकू होते हैं फेल। 99% डुकू सही थे, उसके बाद डुकू को समझ में नहीं आया तो डुकू ने गेम छोड़ दिया है। तो डुकू आप देख सकते हो ये आपने उठाकर यहाँ पे रखा था, दैट्स राइट। और आपको ये नहीं पता था एक ऐसे बनाना, ऐसे फिंगर को यूं करना था और ये ए ऐसे बन जाता। नाउ रीड सी ए टी। लास्ट में मम्मी से पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी बता सकते हो क्या लिखा था? सी ए टी कैट। फाइनली मम्मी को कैट की स्पेलिंग लर्न हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा होता है ब्लॉग खत्म। कैट मानी बिल्ली या बिल्ली मानी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।